परम पिता परमात्मा सबसे महान और सबसे निराला है, वो एक ही है। उस एक में ये सारा संसार समाया हुआ है। उसके बिना कुछ भी नहीं है। बहुत से संत महात्मा हुए जो यही कहते आए हैं कि परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं है, और वो परमात्मा किसी अवतार या किसी भी देह में नहीं आता है, ये भी हमें समझाते आए हैं। परमात्मा तो हर पल हर जगह समान रूप से है, वो पूरी कुदरत कायनात के अंदर समाए हुए हैं। परमात्मा के बहुत से भक्त हुए और उनमें से एक भक्त हुए सदना जी, जिन्हें सदना कसाई नाम से पुकारा जाता है। सिंध प्रतान गाम साहिबान 1180 में जन्म सदना जी का हुआ। सिंध प्रांत और ये गाम साहिबान आज पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत के गाम साहिबान के कसाई परिवार में जन्मे सदना जी, जिनका परिवार और जाति कसाई का काम और कसाई जाति से। सदना जी अपने ही परिवार के इस कार्य में कार्यग्रस्त हो गए। उन्होंने अपने पारिवारिक काम को शुरू कर लिया, माता पिता के साथ हाथ बंटाने लगे, जानवरों को हलाल करते, उनका मांस बेचते और उससे जो कमाई होती, उससे जो 2 रुपए आते, उससे जो कुछ मिलता, उससे अपनी गृहस्थी को, अपने परिवार के खर्चे को चलाते। सदना जी जो थे, उनको प्राप्ति कैसे हुई परमेश्वर की, ये सभी विद्वानों ने जो बताया उसी हिसाब की कथा, वो ही कथा मैं आपको बताने जा रहा हूं। सदना जी कसाई का काम करते थे, क्योंकि उस टाइम में जो कुल और परिवार करता था, जैसे राजा का बेटा राजा, पंडित का बेटा पंडित, और जो भी किसान था किसान का बेटा किसान, तो उसी प्रकार सदना जी कसाई के बेटे थे, तो जाहिर है कि वो कसाई ही बनेंगे। कसाई का काम कर रहे थे सदना जी, तो उनको दूसरे गांवों, दूसरी नगरी में भी मांस का पहुंचाना भी पड़ता था। अभी सदना जी मांस पहुंचाने के लिए सिर पे टोकरी ली हुई है, उसमें मांस रखा हुआ है काट काट के, कसाई का जो दुकान पे जिस तरह से काटा जाता है उस तरह से काट के उन्होंने टोकरी के अंदर सजाया है, टोकरी को पूरा भरा है और सिर पे टोकरी डाल के रास्ते में जा रहे हैं। तो सदना जी क्या देखते हैं, कुछ साधु लोग, ऋषि मुनि परमेश्वर की कीर्तन करते हुए, आराधना करते हुए चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और पीछे पीछे सदना जी जा रहे हैं। सदना जी के कान में उनकी एक जो वाणी थी वो घर कर गई कि जो बोएगा वही तो पाएगा, जो कर्म करेगा वही तेरे हिस्से आएगा। हे प्राणी, जैसे कर्म तू करेगा वैसा ही फल
तुझे भुगतना भी पड़ेगा। अभी सदना जी को ये चीज सोचने पे मजबूर करने लग गई। सदना जी उसी गांव में ठहरे हुए ऋषि मुनियों की वार्ता के लिए उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे ऋषि, मैं तो कसाई का काम कर रहा हूं, तो क्या जब मेरे को अपने कर्मों का भुगतान देना पड़ेगा तो क्या यही कर्म मेरे को मिलेंगे और इन्हीं कर्मों के साथ मेरे को कर्मों का भुगतान मिलेगा? तो ऋषियों ने उन्हें बताया कि जो हम करेंगे वो ही हमें मिलेगा। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। अभी आप अगर जानवरों को काट रहे हो, उनका हलाल कर रहे हो, तो वो आपको मिलेगा, क्योंकि वो उनकी आत्मा तो आप दुखा रहे हो ना, उनके अंदर भी तो परमात्मा परमेश्वर है। सदना जी को ये बात सोचने पे हर पल मजबूर करने लगी और उनकी दिनचर्या में एक चेंज, एक परिवर्तन आ गया। वो जब भी किसी जानवर को हलाल करते तो उससे पहले 100 बार भगवान को अरदास करते, परमात्मा को परमेश्वर को याद करते और बोलते, हे परमेश्वर, क्या करूं, मुझे करना पड़ता है, इसके बिना मुझे कोई पेट में रोटी डालने वाला नहीं है, ये मेरा धंधा है, ये मेरी रोजी है, इसके बिना मैं कुछ और कर भी तो नहीं सकता। कुछ दिन बीते तो वहां पे उनकी दुकान जो थी तो उस पे एक महात्मा ने गुजरते हुए सदना जी को, जब सदना जी उनको परमेश्वर का जयकार करके उनको नमस्कार किया, तो महात्मा ने सोचा कि ये तो परमात्मा का बंदा है। तो सदना जी को उस महात्मा ने एक सालीग्राम का पत्थर दिया। सालीग्राम, सालीग्राम को हिंदू संस्कृति के अंदर बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसकी हिंदू भाई पूजा भी करते हैं। सालीग्राम का पत्थर लेकर सदना जी ने क्या किया कि वो उसी पत्थर से मांस के टुकड़ों को तोलते और उसी पत्थर को धूप अगरबत्ती और उसका पाठ पूजन करते, उसी पत्थर को, उसी को तो मांस पे काम लेते और उसी में परमात्मा को देखते। तो सदना जी उस पत्थर के साथ अपना टाइम बिताने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण ने देखा, जब ये चर्चा इधर उधर फैलने लगी कि सदना कसाई का बेटा वो एक पत्थर के अंदर परमात्मा को भी देखता है और उसी से मांस भी तोल रहा है, तो ब्राह्मण के मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्यों ना वो पत्थर मेरे हाथ लगे। शालीग्राम का पत्थर उस टाइम बहुत कीमती था। तो ब्राह्मण सदना जी के वहां गए और बोले कि मैं आपको इसके बदले ये पत्थर दे रहा हूं और आप ये पत्थर जो सालीग्राम जो काले कलर का आपके पास है ये मेरे को दे दीजिए। सदना जी बोले चलो ठीक है। सदना जी ने वो पत्थर दे दिया और पत्थर के बदले पत्थर ले लिया। अभी ब्राह्मण गए घर पे जाके, उन्होंने उस पत्थर को दूध से धुलाया अच्छी तरह से, क्योंकि उनको ये लगता था कि वो कसाई के घर से आया है, कसाई का हाथ लगा है, तो ये अछूत हो गया है पत्थर, तो उसको दूध से अच्छी तरह से धुलाया। धुला के उसके ऊपर फूलों से बरसात की, उसको फूलों से सजाया और उसकी आरती उतारी, उसकी धूप बत्ती की। जब पंडित रात के समय में सो रहा था तो पंडित को सपना आता है
सपने में पंडित देखता है कि जो पत्थर वो सदना जी से लेके आए हैं, वो पत्थर उनकी छाती के ऊपर तांडव कर रहा है। अभी पंडित को ये चीज एकदम से सोचने पे मजबूर कर गई और उनकी आंखें खुल गई, और नींद से जागते ही उन्होंने उस पत्थर की तरफ देखा तो पत्थर अपनी जगह पड़ा था, और पत्थर तांडव करते करते उनको बोल रहा था कि हे पंडित, तू मेरे को लेके आया है, हे ब्राह्मण, तू मेरे को लेके आया है, जहीं से लेके आया है वहीं पे मेरे को छोड़ दे, क्योंकि मेरा जो प्रेम है, मेरा जो मोह है, मुझे तो उस कसाई के लाल से प्यार हो गया है, मुझे तो वह अति प्रिय लगता है। सुबह हुई, पंडित ने वो ही पत्थर सालीग्राम वापिस सदना जी को दिया और बोले कि ये आपका पत्थर आप लीजिए और मेरा पत्थर मुझे वापिस दे दीजिए। सदना जी ने फिर भी कोई मोह माया के बिना, न तो पहले मोह माया रखी पत्थर से, न अब रखी, और पत्थर के बदले पत्थर वापिस दे दिया। अब ऐसे करते करते कुछ समय बीता, कुछ समय और बीता, तो सदना जी एक दिन शाम का टाइम, शाम के समय में जब पूरा मांस उन्होंने बेच दिया, और तब ऐसा था कि अभी कोई भी ग्राहक नहीं आएगा, कोई खरीदार नहीं जुटेगा, तो पूरा मांस बेचने के बाद अपनी दुकान को बंद कर कर वो अपने घर में थे, तो उनका एक मित्र परिजन आता है और बोलता है कि मेरे कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं और मुझे उनके लिए 2 किलो मांस चाहिए। सदना जी सोचने लगे कि अगर मैं पूरे बकरे को हलाल कर देता हूँ तो पूरा मांस उसका पूरी रात में खराब हो जाएगा, सुबह बिकने के काम नहीं आएगा, और अगर 2 किलो मांस इनको देना है तो वो अभी किसी तरह से इकट्ठा नहीं हो पाएगा। लेकिन वो उनके मित्र थे, उनके जानकार थे, तो प्रिय थे, तो प्रिय थे तो उनको खाली भी नहीं मुड़ना चाहते थे। तो सदना जी ने एक तरकीब सोची कि क्यों ना बकरे की एक अंग को काट दिया जाए या एक टांग को चीर दिया जाए, ताकि सुबह तक ये जीवित भी रहेगा, और सुबह इसको हलाल करके, और वो जीवित रहेगा तो मांस ताजा रहेगा, तो सुबह इसको हलाल करके बेच दूंगा, अभी एक तरफ का काट के बेच देता हूं। और जैसे ही सदना जी बकरे की तरफ चले छुरा लेकर, तो बकरा पहले तो रोया, रोने लगा जोर जोर से बकरा। सदना जी उसको गौर से देखने लगे कि इसमें ये क्या परिवर्तन आ गया एकदम से, इसको क्या पता चला कि मैं इसको हलाल करने आ रहा हूं। रोने के बाद बकरा एकदम से नाचने लगा, खुश हो गया, अभी तो ये तो चकित करने वाला टाइम आ गया, कि सदना जी सोचने पे मजबूर हो गए कि इसमें ये क्या हुआ, पहले ये रोया है, फिर हंसा है, फिर नाचने लगा है, फिर रोने लगा है, फिर हंसने लगा, फिर नाचने लगा है। सदना जी सोच ही रहे थे कि बकरे के मुख से आवाज निकली है, सदना, इतने दिन तो हमारा जो कर्म चक्कर था दोनों का चल रहा था, आज तक के तूने जो जितने भी कर्म किए और मैंने जितने कर्म किए वो हिसाब बराबर हो गया है, हे भगवान से डर, परमात्मा से डर, तू आज प्रकृति के साथ ही खेलने जा रहा है, पहले तुम कत्ल कर देता था, हलाल कर देता था तो एक झटके में जान निकल जाती थी, वो ही तेरे को बाद में भुगतना पड़ता था, मैं फिर जन्म लेता था, तू बकरा होता था, मैं कसाई होता था, ये जो हमारा कर्म चक्कर था
ये पूरा हो चुका है। कर्म विधान जो था, जैसा तूने किया वैसा तेरे को मिलता रहा, और मैंने किया मेरे को मिलता रहा, ये पूरा हो चुका है। लेकिन आज तू एक नई ही शुरुआत करने जा रहा है कि तू मेरा एक अंग काट कर बेचने वाला है। तो सोच मूर्ख प्राणी, जब तेरा ही मैं अगले हिसाब में, जब तेरे से ये तेरी करनी का हिसाब लिया जाएगा, तो मैं तेरे एक अंग को काटूंगा तो तुझे कितना बुरा लगेगा। सदना जी, इतना सुनते ही वो छुरा बहीम पे छोड़ दिया है और बकरे को खोल के मुक्त किया है और अपने मित्र से बोले कि आज के बाद मैं न कसाई का काम करूंगा और न किसी जानवर को हलाल करूंगा, और प्रभु की भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में, परमेश्वर की भक्ति में लीन हो गए हैं सदना जी। उन्हें कुछ और नजर ही नहीं आ रहा है अब। पहले उनमें थोड़ा परमात्मा का प्यार था और उसको अब पूरा ही उन्होंने अपने दिलो दिमाग में पूरी तरह से बसा लिया है और पूरे लीन होकर परमात्मा की भक्ति में घर से निकल गए हैं, वैराग्य धारण कर लिया है, वैराग हो गए हैं। परमात्मा की भक्ति में निकले हुए उस वैरागी को कभी आज उस नगरी, कभी उस नगरी, इसी तरह कीर्तन करते 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 बहुत दूर तक निकल गए हैं सदना जी। विद्वान बताते हैं कि सदना जी एक ऐसी नगरी में चले गए, रात का समय होने वाला है और उनको भूख भी व्याकुल कर रही है, पानी का भी, प्यास का भी, उनका जो था पानी पीने का मन भी हो रहा है, प्यास लगी हुई है, पूरे थके हुए हैं। और रात के समय में उन्होंने सोचा कि किसी प्राणी के यहाँ रात काटेंगे, भोजन भी कर लेंगे, पानी भी पी लेंगे, विश्राम भी हो जाएगा और सुबह निकल लेंगे। तो उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया है। नगरी में पहुंचते ही पहला जो घर था, एक गरीब परिवार था, उस घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक औरत और उसके पति निकली। औरत 23-24 साल की और जो उसके पति थे वो वृद्ध, बड़ी उम्र के। तो उन्होंने सदना जी से पूछा कि बोलिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सदना जी ने उनको बोला कि मैं एक साधु हूँ, एक महात्मा हूँ, तो मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, परमेश्वर की भक्ति करता करता यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने भूख के कारण मैंने सोचा मैं आपके यहाँ रात का विश्राम भी कर लूँगा और अपनी भूख भी शांत हो जाएगी। तो उन्होंने स्वागत किया और सदना जी को अपने घर के अंदर लाए और उनको पलंग पे बिठाया, उनको शीतल जल पिलाया, उनके लिए खाना परोसा गया। जब रात हुई तो सदना जी सो रहे थे, तो सदना जी को नहीं पता था कि औरत के मन में क्या चल रहा है। सदना जी सो रहे हैं, वो औरत आई है और पंखी से, हाथ से हवा कर रही है, सदना जी के ऊपर हवा कर रही है, और सदना जी की आंख खुलती है और सदना जी बोलते हैं, हे बच्ची, तू अपने पति परमेश्वर, जिसके कारण तेरा घर चलता है, जिसके कारण तू यहाँ पे विराजमान है, जिसके कारण तेरा कोई अस्तित्व है, तेरी पहचान है, वो तेरा पति है, वो तेरा परमेश्वर है, मुझे पंखी करने से अच्छा होगा कि तू अपने पति को हवा दे ताकि तेरा कल्याण हो सके। लेकिन सदना जी की इस बात से औरत ने
मुंह मोड़ते हुए सदना जी को बोला कि देख तू साधु है, तू मेरे साथ मेरा बन के हो जा तो मैं तेरी बन जाऊं। तो सदना जी बोले देख तू तो जहर की प्याली है। सदना जी को इस चीज पे गुस्सा आया कि हे नारी तू जहर की प्याली है, तेरा पति होते हुए तू ऐसी बातें सोच रही है और वो भी मेरे प्रति, जो मैं एक परमेश्वर का परमात्मा का बंदा हूँ, उसकी भक्ति में लीन रहने वाला हूँ, मुझे कोई मोह माया और कुछ भी नहीं, और तू मुझे ये रास्ता दिखा रही है। तो औरत को बुरा लगा तो उसने क्या किया, जाकर अपने पति का शीश धड़ से अलग कर दिया और उसका शीश लेकर सदना जी के पास आई है और बोली है कि ये देखो ये रहा मेरा पति, मैंने इसका कत्ल कर दिया है, अब मैं मुक्त हूँ, पति के बंधनों से मुक्त हूँ, अब आप मुझे अपना सकते हैं और जहाँ तुम जाओगे, जिस बेस में तुम रखोगे, अगर साधु बेस में रखोगे तो मैं साधु बेस में आपके साथ रहने को तैयार हूँ, पर मैं इस बुजुर्ग के साथ रहना स्वीकार नहीं करती, मेरे घर वालों ने मुझे धक्के से इसके साथ बांध दिया, इसके साथ धक्के से शादी कर दी। सदना जी बोले हे औरत ये तेरा भ्रम है, तेरी जिद है, तू मूर्ख है, तुझे ज्ञान नहीं है इस चीज का, पति और पत्नी का जो प्रेम जो बंधन जो रिश्ता होता है उसकी तुझे पहचान ही नहीं है। सदना जी का इतना सुनते ही मैं आपको यहां पे एक बात और रोक कर एक बात कहना चाहता हूं। प्राचीन काल से हम सुनते आ रहे हैं कि जो स्त्रियां थी प्राचीन काल में भी अपनी इच्छा की शादियां करती थी। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, सीता और द्रौपदी, वैसे तो बहुत उदाहरण है लेकिन सीता और द्रौपदी उन्होंने अपने मन की रखी हुई शर्तों के हिसाब से अपनी शादी की थी और उनकी उस जिद का प्रभाव, मन इच्छा विवाह, उसका परिणाम क्या हुआ, उन्हें कभी भी सुख ही नहीं मिला, अपने जीवन काल में कभी सुख ही नहीं मिला, बच्चे भी उजड़ गए, परिवार पूरा उजड़ गया, पति भी परेशान, परिवार पूरा परेशान, मायका परेशान, ससुराल परेशान, और जो भी है बच्चों को खास करके ये बात सोचनी चाहिए कि हमारे माता पिता जो है वो हमारा कभी बुरा चाहते ही नहीं है। आज हम दोष देते हैं आज के बच्चों को, लेकिन हम कभी पुराने उस इतिहास में जाते ही नहीं हैं जहाँ पे हमें सैकड़ों पन्नों मिल जाएंगे जो जिनको हम पूज रहे हैं उन्होंने अपनी इच्छा से शादी की और उनको बाद में जोड़ दिया जाता है कि ये तो पवित्र है। आज के बच्चों को हम बुरा भला कहते हैं लेकिन उनको हम बोलते हैं कि नहीं वो सही था, लेकिन उनके साथ जो बीता उस पे हम तर्क नहीं करते हैं, उस पे हम नहीं सोचते हैं। तो सदना जी ने जब कहा कि तू अपने पति का कत्ल कर लाई, अब तो तू और अपवित्र हो गई है, तू तो और दोषी हो गई है, तू तो पाप की पूरी भागी हो गई है, तो सदना जी की बात सुनकर वो औरत बोलती है कि अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं अभी से शोर मचा दूंगी और सभी को बोल दूंगी कि तूने मेरे पति को मारा है और मेरी इज्जत पे भी हाथ डाल रहा है,
मेरी इज्जत भी लूटना चाह रहा है। सदना जी सोचने लगे कि देखो क्या समय आ गया है। एक तो वो समय था सदना जी सोच रहे थे, और आज भी सोचने का टाइम है। आज भी बहुत उससे भी हजार सैकड़ों हजार गुना समय खराब हो गया है इस कारण से। और मैं माता बहनों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप आज भी चल रहा है ये सृष्टि में, और शायद ये ही कोई और भी सुन रहा होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कितना गलत प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का हमारे परिवार पे और हमारी सोच पे और हमारे खुद के जीवन पे कितना गलत प्रभाव पड़ता है। ऐसी चीज़ें हमें नहीं लानी चाहिए अपने जीवन के अंदर। हमें अपने परिवार की समृद्धि के लिए सोच में सिर्फ वो ही गुण लाने चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो सके, हमारे परिवार का कल्याण हो सके। और हर नारी हर घर अगर इस तरह से सोचने लग गया तो मान लो कि 100% संसार का कल्याण हो जाएगा। अभी सदना जी का इतना जो गुस्सा था, उस औरत पे गुस्सा हो गए सदना जी, तो उसने शोर भी मचा दिया। शोर मचा दिया, लोग इकट्ठा हो गए, बात राजा तक चली गई। सदना जी को पकड़ के ले गए कचहरी में, उनसे पूछा गया तो सदना जी ने बहुत कहा कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं कर्म ऐसे करता था, कसाई का कर्म करता था, लेकिन अब मैं उस परमेश्वर की भक्ति में हूँ, मुझे इस चीज़ से क्या लेना देना, और नारी तो विश्व समान मानता हूँ मैं। जो ये काम भावना जो थी नारी की, इसको तो मैं विश्व समान मानता हूँ, तो मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बेराग धारण किए हुए परमात्मा की भक्ति में लीन हूँ। लेकिन सदना जी की बात को वहाँ पे किसी ने भी नहीं माना, और जब राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि इसकी सजा ये है कि इसके हाथ दोनों काट दो और इसको खुला छोड़ दो, हाथ दोनों काट कर उसके आज़ाद कर दो, उसको आज़ाद करके छोड़ दो, उसको भटकने दो, ताकि इसको एहसास हो कि इसने जो जघन्य अपराध किया है उसकी सजा भी इसको पता चले कि उसका क्या परिणाम निकला है। फिर भी सदना जी खुश थे। सदना जी बोले कि जो परमेश्वर की इच्छा है, मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत जीव हत्या की है, मैंने बहुत से जीवों को काटा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर मैं तुमसे इतना ही नाराज हूँ कि मेरा अब कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं था, फिर भी मुझे ये सजा मिल रही है, ये तो बहुत बुरी बात है परमेश्वर, इससे मैं आपसे नाराज हूँ। ये विचार कर रहे हैं सदना जी, और उनके हाथ काट दिए जाते हैं और उनको जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। अभी सदना जी फिर भी परमेश्वर का ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर से वंदना करते हैं कि मेरी लाज रखो परमेश्वर, मुझे बिल्कुल मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए, लेकिन ये दाग जो मेरे ऊपर लगा है आपकी भक्ति करने का मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे क्या फायदा हुआ इस भक्ति का अगर मेरे ऊपर दाग लगा है। सदना जी बोलते हैं कि शेर की शरण में जाने का क्या फायदा हुआ जब गिद्धों ने ऐसे ही डराना है। मतलब शेर की शरण में, परमात्मा जो शेर है, परमात्मा की शरण में जाने का मुझे क्या फायदा हुआ जब ये जो गिद्ध हैं ये ऐसे ही डराते रहेंगे। और सदना जी का गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर एक 851 नंबर पे वाणी है, सदना जी की वाणी है, तो उसमें सदना जी ने प्रार्थना की कि परमेश्वर हे प्रभु मेरी लाज रखो, मैं तो आपका बंदा हूँ, आपका भक्त हूँ, और जब परमेश्वर आप ही लाज नहीं रखोगे अपने भक्तों की, तो फिर
समाज में आपकी भक्ति कौन करेगा? कौन कहेगा कि परमेश्वर सत्य है? कौन कहेगा कि परमेश्वर से ऊपर कुछ नहीं है, उसके न्याय से ऊपर कोई न्याय नहीं है? कौन कहेगा? इतनी वंदना कर रहे हैं कि लज्जा रखो प्रभु, लज्जा रखो, मेरी लाज रखो गोसाइयां, मेरी लाज रखो मेरे साइयां, मेरी लाज रखो। तो परमेश्वर की कृपा होती है और राजा को एक सपना आता है। उस सपने में राजा पूरा वृतांत देख लेते हैं कि सदना जी के साथ क्या हुआ और उस औरत ने क्या किया और क्या सच है क्या झूठ है। और उधर से उसी औरत, वो औरत अपनी पड़ोसी औरत को सुनाती है कि वो मेरी बात नहीं मान रहा था, तो उस साधु को मैंने ये सजा दिला दी, लेकिन मैंने किया और सजा उसको मिल गई। अब जिस औरत को वो बता रही थी, उस औरत के अंदर भी परमात्मा की ज्योत जागी और उसने सोचा कि ये गलत हुआ है, उस साधु बंदे के साथ, उस परमात्मा के बंदे के साथ गलत हुआ है। तो उस परमात्मा की ज्योत जगी उस औरत के अंदर और उसने उस राजा की कचहरी में फिर से वो बात जाके बोली कि हे राजा, जिसको तूने हाथ काट कर जंगलों में छोड़ दिया, वो तो एक परमात्मा का बंदा और निर्दोष बंदा था, जो पापिन थी, जिसने ये कार्य किया है, जिसने ये पाप किया है, वो तो खुली घूम रही है, आजाद घूम रही है। और कुछ राजा को वो स्वप्न भी आया था और वो बात और उस औरत की बात जब मिल गई पूरी एक जैसी, तो राजा ने उस औरत को सरे बाजार में चौक के ऊपर दही डालकर कुत्तों को खिलवा दिया था। कुत्तों ने नोचा उसके पूरे शरीर को। ये दुर्गति हुई उस औरत की, उसके पाप की, उसको सजा मिली, इसी जन्म में मिली। तो सदना जी जो थे, उनको परमेश्वर की प्राप्ति हुई और उनको प्राप्ति, उनकी अंतिम जो अंतिम क्षण उन्होंने जो गुजारे, उन्होंने परमेश्वर का कीर्तन किया। जिस जगह पर वो रहे, जिस जगह पर उन्होंने लोगों को भी परमेश्वर से जोड़ा, जिस जगह पर उन्होंने प्रभु की वंदना करना लोगों को सिखाया, वो जगह सरहंद फतेहगढ़ साहिब पंजाब में। आप कभी भी उधर जाओ तो पुरानी सरहंद के नाम से जो है, वहाँ पे सदना जी की मस्जिद बनी हुई है, एक सदना जी की। तो वहीं पे वो ही जगह है जहाँ पे जो वो बकरे का जो किस्सा आपको बताया था, वो वहीं पे व्यतीत हुआ हुआ है। वो बकरे का किस्सा उसी जगह पे हुआ था। ये जो सदना जी, इनसे हमें यही सीख मिलती है कि परमात्मा अजर अमर है, वो एक है। इन्होंने कभी किसी तांत्रिक विद्या या फिर किसी मूर्ति पूजा या अनेक कृतियां हैं जो समाज के अंदर है, उनका उपयोग नहीं किया, अपने अंतर आत्मा में परमात्मा को जगाया था। और सदना जी अमर थे और अमर रहेंगे।